जियो आउटगोइंग इनकमिंग कॉल नॉट वर्किंग। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जियो सिम में इनकमिंग कॉल या फिर आउटगोइंग कॉल में जो है आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इनकमिंग कॉल नहीं आ रहा है या फिर आउटगोइंग कॉल आपका नहीं जा रहा है, या फिर दोस्तों इनकमिंग और आउटगोइंग में जितना भी आपका प्रॉब्लम है अपने जियो सिम में, उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वीडियो के अंत तक आपका प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको 5 सेटिंग्स बताऊँगा जिसके मदद से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, लास्ट में जो आपको सेटिंग्स बताऊंगा वो आपका मेजर सेटिंग्स रहेगा, ठीक है? वो सेटिंग्स आपको करना ही करना है। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद में पहले हम बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपना मोबाइल का एयरप्लेन मोड को ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद में अपना मोबाइल को जो है रिस्टार्ट कीजिएगा, स्विच ऑफ कर लीजिए एक बार, और अपना सिम कार्ड को एक बार निकाल दीजिएगा, ठीक है? रिमूव कर दीजिए और सिम कार्ड को दोबारा घुसा के अपना मोबाइल को स्विच ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद में फ्लाइट मोड को ऑफ कर दीजिएगा, चेक कर लीजिए दोस्तों। कभी कभी दोस्तों, उसके बाद में आप कॉल करके देख कर लीजिए आपका इनकमिंग आउटगोइंग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। कभी कभी दोस्तों, ये करने के बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम नेटवर्क का सॉल्व हो जाता है, ठीक है? सॉल्व हो जाता है, सही है, सॉल्व नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा दोस्तों आपको, यदि आपके मोबाइल में ये ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे पता नहीं है, यदि रहेगा तो सही है, नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके दूसरा सेटिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सेटिंग में आना है, उसके बाद में आपको एडिशनल सेटिंग्स पे आना है। एडिशनल सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट पे जाना है। उसके बाद में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है। दोस्तों, लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अपने मोबाइल में, ठीक है? तो थोड़ा आप यहाँ पे बेयर कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करना है। पासवर्ड है तो भर दीजिएगा, पासवर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करके आपको जो है अपना मोबाइल का जितना भी सेटिंग्स है उसे रीसेट कर देना है। यानी कि दोस्तों, कंपनी से जो आपका सेटिंग्स आया हुआ रहता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेट हो जाएगा। ये करने से क्या होता है कि आपका कॉल का सेटिंग्स में यदि आपने छेड़खानी किया है, ऑटोमेटिकली छेड़खानी वगैरह हो गया है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यदि आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको करना है, ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा आपको कॉल को कैसे रीसेट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? अभी दोस्तों आपको क्या करना है, तीसरा सेटिंग्स जो है दोस्तों, आपको सेटिंग्स पे आना है, ऐप मैनेजमेंट में जाना है। अभी ऐप मैनेजमेंट दोस्तों, आपके मोबाइल में शायद इंस्टॉल्ड ऐप्स, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मैनेजर इस नाम से शो हो सकता है, ठीक है? हर मोबाइल में अलग अलग होता है। तो उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है आपको, या फिर सिस्टम एप्लीकेशन। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉल मैनेजमेंट या फिर कॉल आपको ढूंढ लेना है, ठीक है? कॉल का जो डायलर बटन होता है वो देख के आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए हम ढूंढ लेते हैं कॉल ABC, और कॉल मैनेजमेंट यहाँ पे आ चुका है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसे फोर्स स्टॉप कर देना है, फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में बैक चले आइए और यहाँ पर स्टोरेज यूसेज पर जाना है, क्लियर डाटा में क्लिक करना है। क्लियर डाटा में क्लिक करके इसे क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद क्या होगा कि दोस्तों, आपका कॉल का जितना भी सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है? ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में दोस्तों आपको एक बार अपना मोबाइल को जो है आपको रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद में दोस्तों, आप जो है आप कॉल चेक करके देखिएगा, आपका आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल जो है वो सॉल्व होके रहेगा, ठीक है? तो ये सेटिंग्स करने के बाद में तो डेफिनेटली भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर एक लास्ट सेटिंग्स है जो कि दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारे कॉल में सिक्योरिटी अपडेट्स आने की वजह से भी कभी कभी यहाँ पे हमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स में जो है प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आपके पास यहाँ पे सिस्टम अपडेट आया है तो इसे आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है? ये अपडेट करने के बाद में तो आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।